कवच के साथ क्या की हुई, क्या की हुई? अच्छा नहीं लगेगा। सनी उठ जा, 8 बज गया, उठो जल्दी। तो आज मैंने आटा का ड्राम धोया है, आटा का टंकी, और इधर फिर से एक बार नीट एंड क्लीन किया है, साफ़ सफाई, सब टाइल्स वगैरह अच्छी तरीके से धोया पोछा है। चाय बन रहा है अभी और नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो यही सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, 9:30 का टाइम हो रहा है। तो नाश्ता बाहर से आया है, कचौड़ी बिना लहसुन प्याज का है। चाय भी हो गया है, तो इसे धूप में रखेंगे सूखने के लिए। तो चलते हैं, धूप में रखाते हैं और फिर निखिल का नाश्ता भी बनाना है। तो यहाँ पर स्प्राउट वाले चने हैं, तो इसकी सब्जी बना देते हैं, रोटी बना देते हैं, निखिल लंच बॉक्स में लेकर चला जाएगा। तो ये बना रहे हैं हम आलू चने की सब्जी बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पर सब्जी बन रहा है, फटाफट से रोटी बना लेते हैं निखिल के लंच बॉक्स के लिए और खुद के लिए भी, क्योंकि आज मैं चावल नहीं खाऊंगी। तो सब्जी को यहाँ पर होने देते हैं आराम आराम से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर देखने में लग रहा है, खाने में भी वैसे ही स्वादिष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज डालकर बनाएंगे तो ही खाना स्वादिष्ट होगा, बिना लहसुन प्याज का भी खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये तन्नी क्या कर रही है, साइकिल को ब्लॉक कर दी। डबल कोट हो रहा है, देखो यहाँ बाकी है रंग दे पड़ेगा उसके साथ ही है। वो की चाबी निकाल ला हमको, तो ये भी कर देती थी पा सीट तो बदल ली। ये ब्रश के साथ क्या की हुई, क्या की हुई? ऐसे कौन पेंट करता है? इधर देखो वो नहीं हो रहा, इधर पर कर देती हूं। उधर तन्नी अपना साइकिल कलर कर रही है, मैं यहाँ पर सब्जी काट लेती हूँ, आलू गोभी दोपहर के खाने के लिए। आलू गोभी की सब्जी। अंकुरित चने हैं, चने का बीज लगा रहे हैं, चने का साग खाने के लिए।
मिर्ची डाल दे थोड़ा सा। ये चने के साग के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे चने का साग उगाएंगे, चने साग की भाजी। पानी के छींटे लगा देते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक न्यू ब्लॉग के साथ। और अभी मैं नहाकर चली आई हूँ और सारा काम वाम हो गया, दोपहर का लंच भी बन गया, दाल चावल आलू गोभी की सब्जी। मैं तो आज चावल नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए रोटी और सब्जी है, वही खाऊंगी। तो हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बड़ा मन हो रहा है टमाटर की चटनी खाने का, तो चलते हैं टमाटर की चटनी बना लेते हैं, रात के रोटी के साथ खाने के लिए भी हो जाएगा और मैं अभी भी खा लूंगी। तो चार टमाटर लिए हैं, यहाँ पर टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को कट करके डालेंगे, नहीं तो ये पिघलेगा, नहीं जरी लगेगा थोड़ा सा पिघलने में। तो यहाँ पर इतना गुड़ सफिशियंट है। टमाटर की चटनी का कलर आप देख सकते हैं, ब्राइट रेड कलर का। इसमें सिर्फ किशमिश डाल देते हैं। तो आज मेरे खाने में है टमाटर की चटनी, चना आलू की सब्जी और रोटी। खाना एंजॉय करते हैं। आटा वाला टैंक धो लिए थे, तो नया आटा आया हुआ है, डाल दिए। अभी आ रहे हैं पौधों में पानी वगैरह डालकर, कपड़े वगैरह सूख गए थे, कपड़े उतार कर, और अभी आटा खाली कर देती हूँ। जब भी खाली होता है टैंकी आटा का, तभी हम धो लेते हैं, फिर उसमें नया आटा रखते हैं, फिर सारा कुछ साफ सुथरा रहता है। क्या कर रही हो? हैंड राइटिंग मिला है, और ये क्या है? तेरे मेरे, हैप्पी हैप्पी। देखें कैसा दिख रही हो, अच्छा नहीं है। अच्छा करने के लिए तो दिया गया है ना हैंड राइटिंग को, अच्छा करो, इसको सुधारो। तो काफ़ी देर तन्नी के पास बैठे रहे, तन्नी स्टडी कर रही थी, और बैठे बैठे उठकर आए, टाइम हुआ तो रात का खाना बनाने लगे, रोटी सब्जी। और चलिए आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ कल। टिल देन टेक केयर एंड बाय।